हाय दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम आपको खिचड़ी कैसे बनाते हैं घर में वो सिखाएंगे। ना ये जो मैं नुस्खे दे रहा हूँ, इट्स बेसिकली आई एम कुकिंग वेरी सिंपल स्टफ, बिकॉज यू नो द कॉम्प्लिकेटेड स्टफ आपको बड़े बड़े शेफ्स सिखा देंगे और बड़े बड़े शोज होते हैं उसके लिए, लेकिन जो मैं आज सिखा रहा हूँ वही बेसिक। तो आज हम खिचड़ी बनाएंगे। खिचड़ी इज लाइक द गो टू फूड, से कम्फर्ट फूड, ये हमारे देश में सबसे मतलब चहीता डिश है। And it is an all-time food, it's all-time, you know, kind of meal to go for. तो इसको कैसे बनाते हैं, it's very important, क्योंकि खिचड़ी बहुत पतली हो जाती है, बहुत गाढ़ी हो जाती है. So there is a science to that, there's an art to that, and उसका जो तड़का होता है वो बहुत important है. तो वो दो तीन चीज़ें मैं आपको आज कोशिश करूँगा सिखाने के लिए. जी अभी आज मैंने काफ़ी ज़्यादा लिया है, आप सोच रहे हैं कि घर में इतने लोग तो हैं नहीं, लेकिन इतना खिचड़ी किसके लिए पक रहा है? वेल हमारे ये कोरोना वायरस की वजह से सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं, तो हम थोड़ा खाना बना रहे हैं हमारे वॉचमैन जो हैं उनके लिए भी, क्योंकि वो कहीं पर जाके खाना और सामग्री नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप भी आपके बिल्डिंग में रहते हैं और उनको लगता है कि जो हमारे आपके जो लोग जो आपके लिए काम करते हैं, अगर उनके लिए आप थोड़ा कुछ बना के दे दें थोड़ा एक्स्ट्रा, तो उनके लिए वो अच्छा रहेगा। सो वी आर मेकिंग नॉट जस्ट फॉर अस, बट वी आर मेकिंग फॉर द वॉचमैन पीपल डाउन ऑल्सो इन द सिक्योरिटी। तो मैंने इतना चावल लिया है, तो अभी प्रपोर्शन कितना होना चाहिए दाल खिचड़ी बनने के लिए? लेकिन जनरली खिचड़ी बनता है राइस, चावल और यू नो मूंग दाल से, बट मैं ऑलवेज आई प्रिफर मिक्स्ड दाल। सो मैंने सभी दाल को मिक्स किया है जो भी घर पे है, और उसको पानी में धोया है, ओके, और फिर उसको यू नो यहाँ पे मैंने इस कटोरी में डाला है, इस बोल में डाला है। तो अभी मात्रा कितनी होनी चाहिए पानी की? सो इफ यू रिमेंबर वन थिंग, देयर इज अ जनरल थंब रूल होता है, इफ यू वांट टू मेक बॉइल्ड राइस या स्टीम राइस या पुलाव, यू ऑलवेज हैव टू ऐड डबल द क्वांटिटी ऑफ द बोल। तो इफ यू हैव दिस मच ऑफ राइस, तो इसका डबल जाएगा पानी स्टीम राइस बनाने के लिए या पुलाव बनाने के लिए। बट अगर आपको खिचड़ी बनानी है तो यू हैव टू ऐड 3 times वॉटर ऑफ दिस, तो ये बोल का 3 times का पानी जाएगा। और इसको अगर आपको बहुत पतला बनाना है, मे बी आपके घर में बच्चे हैं जिनके दांत नहीं आए हैं, या बुजुर्ग हैं जिनके पास खाने की क्षमता नहीं है, यू नो वेरी ओल्ड पीपल, और इफ समबडी इज सिक, देन पानी की मात्रा थोड़ी और जाएगी। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं प्रेशर कुकर में इसको बनाऊंगा, बिकॉज इट सेव्स गैस, इट सेव्स इलेक्ट्रिसिटी एंड गोस क्विकर, सो इट्स ईजियर। सो ये मैंने ऑलरेडी मेजर किया और इसको डाल दिया। अभी इसके साथ अब मैं ऑलमोस्ट 4 times डाल सकता हूँ, 3 या 4 times। तो ये गया पहला, दूसरा। कुछ लोग बॉइलिंग वाटर भी यूज करते हैं, बट सिंस इट्स गोइंग टू बी क्लीन वाटर यूज करते हैं, पीने का पानी यूज करते हैं, बट टेक्निकली एनीथिंग दैट यू बॉइल यू डोंट हैव टू वरी टू मच, इट्स गोइंग टू ऑलवेज गोइंग टू बी सेफ। ओके, ये 3, एंड आई एम गोइंग टू टेक बीइंग लिटिल सेफ, एंड आई एम गोइंग टू टेक 3.5। ओके, 3.5 पानी बाद में भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं लीटर। इसके अंदर आप थोड़ा नमक डाल दीजिए, एंड थोड़ा हल्दी। ओके, देख रहे हैं आप हल्दी, ये आपने डाल दिया। बस इसके बाद आपने इसको बंद कर दिया, ये हो गया बंद, गैस को चालू किया। और उसको 10 मिनट तक आप पकाइए, मोर इम्पोर्टेंटली एक सीटी आएगी तभी इसको बंद कीजिए। ओके, अभी हम बघार बनाएंगे या तड़का बोलते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये फ्लेवर देता है दाल या दाल खिचड़ी में। तो हम चालू करेंगे, थोड़ा ऑयल आपने डाल लिया, ओके, डेगची में, उसके बाद आप थोड़ा जीरा और थोड़ा ये जो राई है उसको डालोगे, थोड़ा दूर रहना क्योंकि ये चिपकता है। ओके, सो ये उठता है संभाल, ये हो गया, ये जैसे ही गर्म होता है थोड़ा फटाफट, थोड़ा धीमी आंच पर कुक करना क्योंकि ये जलता है फटाफट। कांदे डाल दिया आपने, वेस्ट ना हो जाए, मिडिल क्लास
अभी स्पून से नहीं हो रहा तो हाथ से करना पड़ेगा। ये है टमाटर, आई हैव यूज्ड 2 or 3 टमाटर्स। मुझे आलू बहुत पसंद है, सो आई ऑलवेज गोइंग टू यूज आलू फॉर एवरीथिंग। मिर्ची, हरी मिर्ची, ये लहसुन और ये कड़ी पत्ता। फ्रेश धनिया भी मिलता है लेकिन मेरे पास नहीं है। और ये टमाटर भी मेरे नेबर की बदौलत है, घर में टमाटर नहीं था इफ यू रिमेम्बर, तो आई जस्ट बोरोड इट फ्रॉम माय नेबर। दिस इज द टाइम व्हेन यू नो इट हेल्प्स टू आस्क अ नेबर फॉर टोमेटोस। लेकिन मैंने उसको ऑलरेडी बोल दिया कि हाथ साफ करना चाहिए, हमने दोनों में हाथ साफ कर लिए। तो शेयरिंग इज केयरिंग बट यू टू बी लिटिल केयरफुल। लहसुन है, टमाटर भी डाल सकते हैं, बिकॉज टमाटर इज वेरी इट्स टाइम फॉर इट्स फ्लेवर टू कम आउट। ये जो आलू है मैंने थोड़ा ऑलरेडी थोड़ा बॉईल किया है, विच इज व्हाट आई एम गोना पुट नाउ, लेकिन पूरा बॉईल नहीं किया है। तो हम देंगे मिक्स से, जैसे मैंने कहा मुझे आलू बेहद पसंद है सब चीज़ में। अरे अरे अरे, अभी इसके साथ हम जैसे आप देख रहे हैं अभी हम गरम मसाला, थोड़ा जो आधा मसाला है वो डालेंगे। तो आई एम गोना स्टार्ट विथ मिर्ची, मिर्ची डाल दिया, थोड़ा कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा गरम मसाला का चाहिए तो आपको हल्का सा हल्दी ऑलरेडी डाल चुके हैं, थोड़ा नमक। अब मैं थोड़ा हींग फ्लेवर करता हूँ, जैसे पिक्चर क्वीन में थी ना हींग एस ए पिटीरिया, तो इसको मजा आता है। और फिर लास्ट में आपको मिर्ची, और करी पत्ता बाद में लास्ट में डालना, ये भी मैं डालता हूँ। इसको आप मिक्सर से पका लो। इम्पॉर्टेंट कि आप जितना आप कुक करते हो उसके साथ साथ थोड़ी सफाई होना बहुत जरूरी है। तो इसका काम हो गया है, ओके, तो इसको तुरंत हम साफ कर देंगे। ठीक है, तो बोल रहे हैं लुक्स गुड ना। हम क्या करेंगे, हम इस खिचड़ी को मिक्स करेंगे। तो अब ये हम खाएंगे, ये इतना काफ़ी सब बना है, देखिए काफ़ी सब बना है। ये हो गई खिचड़ी, और अगर आप थोड़ा और कंसिस्टेंसी चाहते हैं तो आप पानी डाल सकते हैं। और अभी हम इसको यू नो भेजेंगे नीचे, हमारे जो लोग जो काम करते हैं हमारे लिए, ये कुछ करीब 4 या 5 लोग सिक्योरिटी लोग हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिक्योरिटी को फोन लगाते हैं, बोल देते हैं ऊपर आने के लिए। हाँ, आपका खाना तैयार है, आप ऊपर आ जाइए। और अब भी अपनी खिचड़ी तैयार हो गई है, उसके बाद हम थोड़ा गार्निश के लिए हम घी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। अचार वेरी इम्पोर्टेंट इस तरीके से
हमारा जो खिचड़ी है वो तैयार हो गया और हमारे वॉचमैन भी तैयार हैं, अभी हम भेजेंगे नीचे, वो भी आ चुके हैं। अरे वाह, मास्क भी पहना है जी। ये लीजिए, हमने बनाया जी। बताना खाना कितना अच्छा था। ठीक है, खा लो आप लोग। ओके, हम भी थोड़ा खा देंगे यार। चलो, एंजॉय, हैव फन, सी यू सून। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये खिचड़ी वाला ट्यूटोरियल पसंद आया हो। बाय द वे, मेरे डांस की ट्यूटोरियल मैं शूट कर रहा हूँ एंड दैट्स आल्सो गॉट अपलोडेड ऑन यूट्यूब। इट टेक्स अ वाइल टू अपलोड, सो प्लीज़ बेयर विथ मी एंड आई एम नॉट गुड एट ऑल दीज थिंग्स। मैं अभी इस क्वारंटीन के मामले में मैं कुछ सीख रहा हूँ, आई नो हाउ टू काइंड ऑफ यू नो शूट एंड हाउ टू काइंड ऑफ अपलोड। इट्स समथिंग दैट प्रॉबेबली वॉज लॉन्ग पेंडिंग, सो आई एम यू नो लर्निंग। आई एम नॉट अ मिलेनियल किड, सो फॉरगिव मी फॉर दैट। यू नो अभी एक पार्सल आया था मेरे लिए एंड समथिंग यू नो द सिक्योरिटी गाइज कॉल्ड, बोला कि सर आपके लिए पार्सल है बट हम उसको भेज नहीं सकते, ऊपर आपको नीचे आके लेना पड़ेगा। एंड वॉज लाइक फॉर अ मोमेंट बोला ये क्या हो रहा है, एंड देन आई रियलाइज कि अच्छी बात है यार, इट्स गुड। सो आई वेंट डाउन पर्सनली एंड आई पिक्ड इट अप एंड आई ऑल्सो आस्क्ड देम कि कैसा चल रहा है सब कुछ, एंड यू नो बट देन आई ऑल्सो वांटेड टू आस्क इफ दे लाइक माय खिचड़ी, यू नेवर नो बिकॉज दे माइट लाइक इट। वो मसालेदार मेरा जो टेस्ट बड्स है वो अलग है, उनका टेस्ट बड़ा अलग है, वे आर वेरी डिफरेंट। तो आई वेंट डाउन एंड आस्क्ड देम हाउ द फूड वाज। भाई कैसा था खाना आज? अच्छा था सर, बहुत अच्छा है सर। हम लोग बाहर नहीं जा सकते, इस हिसाब से आपके यहाँ से आपके हाथ का बनाया हुआ खाना मतलब टेरेंस सर बनाए हैं, बहुत अच्छा लगा सर। हम लोग खाए और खुश हैं, वेरी गुड सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया खाना सर, एक नंबर, आपके हाथ को तो लाजवाब। थैंक यू। इस कोरोना वायरस की वजह से सर हम लोग बहुत परेशान नज़र आ रहे थे, पूरे देश में है, हम लोग बाहर नहीं जा सकते। सर आपने यह बहुत अच्छा किया, हम लोग बहुत खुश हैं। Thank you, sir. Thank you. I really want people to get a little bit more sensitive about the people who, जिनके पास बहुत कुछ नहीं है। I'm sure सभी बिल्डिंग में वॉचमैन है, सिक्योरिटी, और हमारे घर में खाना बनता है। तो if you can just feed your watchman, you know, people who work for you, the people, कचरा वाला और कचरा वाली जो आती है साफ़ करने के लिए, उनको थोड़ा पानी या जूस या खाना जो भी एक्स्ट्रा है वो उनको दे देंगे तो अच्छा रहेगा। इट्स इम्पोर्टेंट, सो जस्ट अ लिटल लव you know, it's important and that's why I'm sharing this, otherwise I would have probably not put it in the video, but I want people to, you know about this and, you know, just take it forward. So, yeah. Happy quarantine. Stay indoors.